नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से एमपीपीएससी में स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को एमपीपीएससी से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। और आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी में दो सेक्शन में प्रश्न बनाए जाएंगे, एक होगा सेक्शन ए और एक होगा सेक्शन बी। ए में आप लोगों से मध्य प्रदेश से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य ज्ञान होगा, साथ ही साथ कंप्यूटर का आधारित कुछ ज्ञान होंगे। और सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन बी में सोशल वर्क से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो मैं आप लोगों को सोशल वर्क की क्लासेस के चैनल पर सारी वीडियोस अपलोड करूँगा और वो होगी समाज कार्य के संबंध में, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी में कुल टोटल 3 घंटे का समय दिया जाएगा आप लोगों को प्रश्न करने के लिए, ठीक है। तो मैं पूरी जानकारी आप लोगों को बेसिक से समझाऊंगा कि सोशल वर्क में कहां कहां से प्रश्न एमपीपीएससी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को शो करने चल रहा हूं एमपीपीएससी के सिलेबस को। तो आज मैं आप लोगों से एमपीपीएससी के सिलेबस सेक्शन ए के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य से प्रश्न बनाए जाएंगे, जो मैं आप लोगों के सेक्शन ए के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं दूंगा। सेक्शन ए में फिर आप लोगों को पढ़ना होगा मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में, मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा। और वहीं साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों से जिक्र करूं तो मध्य प्रदेश में आप लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ से भी प्रश्न बनाए जाएंगे और सूचना एवं प्राधिकीकरण से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे एमपीपीएससी में। ये सेक्शन ए का पार्ट था और मैं आप लोगों से सेक्शन बी के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा जो टॉपिक होगा वो सेक्शन बी से ही होगा, ठीक है भाई। तो सेक्शन बी का जो पार्ट होगा आपको मैं बताने चल रहा हूं। देखिए, यहां से स्टार्ट होगा और ये जो सिलेबस देख रहे हैं आप सेक्शन बी का सोशल वर्क का है, मेरा जो पूरा कंटेंट होगा वो समाज कार्य से ही होगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से, हालांकि समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास में इंडिया का और यूके और यूएसए का मैं चर्चा कर चुका हूँ समाज कार्य के ऐतिहासिक विकास पर, और भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का प्रादुर्भाव किस तरीके से हुआ उसके बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूँ। समाज कार्य दर्शन के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ, समाज कार्य की परिभाषा और क्षेत्र एवं विशेषताओं के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ। और आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी 6:15 पर, ठीक है। 6:15 पर आप लोगों को लाइव क्लासेस दी जाएगी गूगल मीट पर, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वहाँ पर आज मैं चर्चा करूँगा समाज कार्य के सिद्धांतों पर, और उसके बाद आप लोगों को आचार्य संहिता पर चर्चा करूँगा। तो पहले मैं टॉपिक करवाता हूँ, और टॉपिक के जैसे टॉपिक समाप्त हो जाता है तो टॉपिक के बाद मैं आप लोगों के लिए उसी से संबंधित कुछ मल्टीप्लाई या कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, एमसीक्यू लेकर आता हूँ, उसके संबंध में मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भारत में व्यावसायिक समाज कार्य का संगठन कौन कौन से हैं और सामाजिक सुधार आंदोलन की अवधारणा क्या क्या है, इन पे चर्चा करूँगा। ये यूनिट नंबर 1 होगा। और यूनिट नंबर 2 की बात करूँ तो समाज कार्य की विधियाँ एवं अनुसंधान, समाज कार्य की प्राथमिक विधि सामाजिक व्यक्तिक कार्य है, सामाजिक समूह कार्य है और सामुदायिक संगठन है। मैं 8 बजे से क्लासेस चलाता हूँ एनटीए यूजीसी नेट का, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा यूजीसी नेट का। तो अगर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाएंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को यूजीसी की भी क्लासेस में दूंगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर मैं समाज कार्य की प्राथमिक विधियों के अंतर्गत जो है चर्चा कर रहा हूँ सामुदायिक संगठन पर, ठीक है। जो यहाँ पर मैकलीन की एक अहम भूमिका होती है सामुदायिक संगठन में, और समुदाय में जब हम की भावना की बात हुई तो बोगार्ट्स के बारे में भी देखने को मिलता है एग्ज़ाम में प्रश्न, ठीक है। तो मैं अभी इन्हीं पर चर्चा कर रहा हूँ। और हालांकि मैंने केस वर्क और ग्रुप वर्क के बारे में बता चुका हूँ, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। अच्छा, हालांकि ये जो यूनिट नंबर 2 की बात मैं कर रहा हूँ,
या आप लोगों को एमपीपीएससी वाले बच्चों को ये शुरुआत से बताई जाएगी, ठीक है। तो समाज कार्य की विधियाँ कौन कौन सी हैं, उसमें रिसर्च की क्या भूमिका है, अनुसंधान की, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दूंगा आप लोगों को, ठीक है। वहीं समाज कार्य की द्वितीयक प्रणाली में समाज कल्याण प्रशासन, समाज कार्य शोध और सामाजिक क्रिया जैसी एक्टिविटीज़ भी शामिल की गई हैं, तो मैं इसके बारे में भी आप लोगों से बताऊँगा। समाज कार्य की तकनीकी और उपकरण, मतलब उसमें सोशल वर्क की कौन कौन से टेक्निक्स हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो आप यूज़ में लाते हो, केस वर्क में भी लाते हो, ग्रुप वर्क में भी लाते हो और कम्युनिटी वर्क में भी लाते हो, तो ठीक है, उन टूल्स के बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। देखिए यहाँ पे रिसर्च बेसिकली दो ही टाइप का होता है, एक मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी चर्चा होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक रिसर्च क्या है, और साथ ही साथ आंकड़ों का किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो डेटा का किस तरीके से आप सिलेक्शन करेंगे उसके बारे में चर्चा करूँगा। निर्देशन का मतलब एक प्रकार से है, सैंपल से लिया गया है, तो सैंपलिंग कौन कौन सा है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से यहाँ पर डीप में चर्चा करूँगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर थर्ड, देखिए यहाँ पर भारतीय समाज के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो समाज की बेसिक अवधारणा है उसके प्रकार और विशेषताओं के बारे में, और समुदाय में ग्रामीण समुदाय, शहरी समुदाय एवं जनजातीय समुदाय के बारे में इसमें आपसे प्रश्न बनाए जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है, जैसे निम्न वर्ग और उच्च वर्गों को किस तरीके से एक स्टेटस दिया गया, उसके बारे में यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। और सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक संस्थाएँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में चर्चा होगी। समाज और संस्कृति के बारे में आप लोगों से चर्चा होगी यूनिट नंबर थर्ड में। समाजीकरण के सिद्धांत पर चर्चा की जाएगी, कौन कौन सी समाजीकरण में जो है एजेंसियां हैं, उससे भी प्रश्न बनाए जाते हैं यूजीसी में, ठीक है। तो नीट फ्रेंडली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, पायलट एजेंसी के बारे में सुना होगा, इटावा एजेंसी के बारे में सुना होगा, उन एजेंसियों से भी आप लोगों से प्रश्न बनाए जाएंगे। सामाजिक प्रक्रिया क्या है, सहयोगी प्रतिदर्शिता, संघर्ष और समावेश, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं इसके अंतर्गत, गतिविधियाँ, उनके बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। यूनिट नंबर फोर पे बात करूँ तो समाज कल्याण प्रशासन है। समाज कल्याण प्रशासन में एक अहम भूमिका होती है लूथर गोलिक का नाम, आप लोगों ने सुना होगा, पोस्टकार्ड को लेकर, ठीक है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं मेंस में, तो हालांकि यूपीपीएससी में कई बार बनाए गए हैं, एमपीपीएससी में यहाँ से मल्टीपल चॉइस करके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे मैं आप लोगों को टॉपिक के बाद एमसीक्यूज लेकर आता हूँ, वहाँ पर स्पष्ट क्लियर कर देता हूँ कि प्रश्न का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न का ट्रेंड दो तरीके से आजकल चल रहे हैं, और एक आपको अगर मैं बताऊँ तो अप्लाइड प्रश्न जो है 75% चल रहा है, और दूसरी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो जो दूसरे नंबर का है 21% का जो क्वेश्चन चल रहा है वो फैक्ट के आधार पर चल रहा है, ठीक है ना। तो मैं दोनों तरीके के प्रश्न लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो भारत में समाज कल्याण प्रशासन के जो स्तर हैं, केंद्र और राज्य और जिला स्तर के बारे में आप लोगों से चर्चा होगी। कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं के बारे में बताऊँगा। कुछ भारतीय संविधान के संदर्भ में ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, मैं उन्हीं लोगों उन्हीं चीज़ों को बताऊँगा जो भारतीय संविधान से एनटीए यूजीसी नेट में प्रश्न, सॉरी, जो एमपीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। और आगे अगर मैं बात करूं तो मानव अधिकार एवं राजनीति निदेशक सिद्धांतों से प्रश्न बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आयरलैंड से लिया गया है वो, ठीक है। यूनिट नंबर फिफ्थ की बात करूँ तो यहाँ पर एनजीओ की एक अहम भूमिका आ जाती है, तो स्वयंसेवी संगठन का प्रबंधन नियमन से प्रश्न बनाए जाएंगे, और स्वयंसेवी संगठन के संबंध में केंद्र और राज्य के नियम और अधिनियम कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा होगी। स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय नीति कौन कौन सी आई हैं उसके लिए भी आपसे चर्चा किया जाएगा, और स्वयंसेवी संस्थानों के लिए अनुदान एवं विभिन्न वित्तीय स्रोतों के बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर फिफ्थ था, और यूनिट नंबर सिक्स की बात करता हूं तो सिक्स पे कह रहा है कि भारत में शासन की सामाजिक नीति कौन कौन सी है, ठीक है। देखिए ये बेसिकली क्या है, जितने एमपीपीएससी का सिलेबस है, एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस से यहाँ पर 95% क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, लेकिन प्रश्न का जो तरीका होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो एमपीपीएससी का अलग है, यूजीसी नेट का अलग है, ठीक है। और यूजीसी नेट में आप अगर देख रहे हैं कि भारत में शासन की सामाजिक नीति की बात की गई थी, यानी यहाँ पे छोटी चीज़ों पर बात की गई है, ठीक है, और यूजीसी नेट में ब्रॉड लेवल पर चर्चा की गई, लेकिन आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि भारत में जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो हमें थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हमें ब्रीफ में जानकारी लेनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर इसने जैसे स्वास्थ्य की नीतियों के बारे में बता दिया है, तो स्वास्थ्य की नीति में जितनी भी नीतियाँ बनाई गई हैं भारत में वो सारी पढ़नी होगी, ठीक है।
और एनटीए यूजीसी नेट में वहाँ पर अगर स्वास्थ्य की नीति दिया है तो ऑलरेडी आगे जो है ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है कि हमें कौन कौन सी स्वास्थ्य की नीति के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। तो मानसिक के बारे में अगर बात हो या युवा नीति की बात हो या बाल नीति की बात है तो उसमें बेली क्या किया गया है बेसिकली मेन